नमस्कार आपके साथ में रोहित कुमार राकेश टिकैत और जयंत चौधरी का घर जिस इलाके में है वहां पर क्या हालत है कौन जीत रहा है वहां से यूपी चुनाव को लेकर के लगातार उसके ठीक पहले जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को खड़ा किया गया और खास करके जो पश्चिम यूपी है जिस तरीके से वहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश हुई वहां पर उस इलाके में जो की राकेश टिकैत का अपना गढ़ घर माना जाता है जयंत चौधरी किसानों के बड़े नेता के तौर देखे जाते हैं उनके घर की हालत क्या है नतीजों में जयंत तो और टिकैत दोनों के क्षेत्र में आर गठबंधन को बढ़त हासिल है जबकि बीजेपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर चल रहे हैं इन सबके बीच सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम यूपी की ओर टिकी हुई हैं यहां पर लगभग साल भर तक चले किसान आंदोलन का काफी

या फिर वहां भी बीजेपी की पकड़ भारी है दरअसल राकेश टी के तो जयंत चौधरी दोनों ही पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं जयंत तो चौधरी का क्षेत्र बड़ौत है जहां से सपा गठबंधन को बढ़त हासिल है वहीं अगर बात करें बीजेपी के तो वो दूसरे नंबर पर है वहाँ के नेता कृष्ण पाल मलिक हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं चुनाव आयोग द्वारा सुबह पौने बारह बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक आरएलडी को करीब अड़तालीस दशमलव नौ पाँच फीसदी वोट हासिल हुए जबकि बीजेपी ने कांटे की टक्कर देते हुए सर जो है तैंतालीस दशमलव एक एक वोट हासिल किया बसपा उम्मीदवार अंकित मुजफ्फरनगर में काफी दबदबा माना जाता है बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र आरएलडी को बढ़त हासिल है आरएलडी के राज्यपाल सिंह बलियान आगे चल रहे हैं जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार उमेश मालिक हैं जिन्हें दोपहर बारह बजे तक पैंतालीस दशमलव दो नौ फीसदी वोट हासिल हुए इस सीट से भी बीजेपी जो है बसपा जो है वो तीसरे नंबर पर चल रही है किसान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत के बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला उन्होंने कहा था कि जनता इससे नाराज़ है और अगर कुछ भी कुछ तो दिखाई देगा राकेश टिकैत ने चुनावी नतीजों के लिए लगातार बात की तो उसमें ये कहा था कि जब चोर बेईमान हो जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है ये चोरी करते हैं बेईमान भी हैं और गुंडे भी हैं उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए तक कहा था कि अपनी मर्जी से वो वोट करने के लोगों से अपील की थी जनता नाराज है और कह रही है कि ये जीतेंगे नहीं लेकिन अगर इनके दो सीटों की बात कर लें तो इसके अलावा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को बढ़त तो दिख ही रही है लेकिन बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर किसान आंदोलन के बावजूद भी बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त नज़र आ रही है और फिलहाल जो रुझान है उसमें मुकाबला जो है टक्कर का है हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से एक जो बयान आया है उसके हिसाब से ये कि सौ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मार्जिन पाँच के से हज़ार के बीच का है ये ऐसे में कार्यकर्ता डटे रहें क्योंकि खेल कभी भी बीजेपी वाले कर सकते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार